देश के दो बड़े राज्य यूपी और राजस्थान में अब कोरोना खत्म होता दिखाई दे रहा है। केस लगातार तेजी से नीचे आ रहे हैं। राजस्थान में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के 7,680 नए मामले सामने आए, जबकि इस घातक संक्रमण से 127 और लोगों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 16,705 लोगों के ठीक होने से राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है। विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को जयपुर में 1,517, जोधपुर में 601, बीकानेर में 453, कोटा सीकर में 427, उदयपुर में 401, गंगानहर में 302 तथा अलवर एवं बाड़मेर में 301 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी 1,43,974 COVID-19 मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 6,725 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 2,50,000 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की गई है, जबकि 13,590 लोग इसके संक्रमण से उबरे हैं। 24 घंटे में 238 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में कुल 18,588 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में 75 से सिर्फ 15 जिलों में कोरोना के 49% संक्रमित हैं। सूबे में अब एक साथ 16,434 एक्टिव केस हैं, जबकि बुधवार तक इसकी संख्या 1,23,579 थी। इसमें से भी 60,816 संक्रमित सिर्फ 15 जिलों में ही हैं, यानी कि 49.2% संक्रमित 60 जिलों में हैं, बाकी 50.80 हैं। सिर्फ 15 जिलों में ही 2,500 से अधिक एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन भी अब धीरे धीरे काबू आ रही है। सेकेंड स्ट्रेन ने प्रदेश में जान का सर्वाधिक नुकसान किया है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।